तो फ्रेंड्स, ये है आने जाने का रास्ता। और अभी अभी जस्ट यहाँ पे बारिश हुई थी, तो बारिश होने पे देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू है। और आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं रिस्क लेके आया हूँ। यहाँ पे अभी ना जंगल के हाथियों के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब चलते हैं आगे। पत्थर बहुत ज़्यादा है और अभी हम लोग नीचे उतरते हैं। पूरे यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं। व्हाट्स अप एवरीडे, वेलकम बैक टू अदर माय ब्लॉग। मैं हूँ आपका दीक्षांश। आ चुका हूँ मैं नया वीडियो लेके अपनी। और पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं जाने वाला हूँ, पूरी जंगल का टूर करने वाला हूँ और 12 नवपारा का भी। तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो लेके। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं हम जाने वाले हैं। पहली जगह वो है हमारी हटवारा पठार, उसके ऊपर सिंगादुर है। यहाँ पर ना पुराने राजा महाराजाओं का किला है। तो हम अपनी बाइक से आए हैं और ऊपर जाने का बाइक तो अब ले जा नहीं सकते, तो हम ऐसे ही चलने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो एक प्यारा सा नाला जिससे मस्त आवाज़ आ रही है और चिड़िया वीडियो की मस्त चहचहाट और शांति वातावरण है। तो हम भी अब चलते हैं ऊपर, फिर आपको मैं ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ। चलो तो फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं इस किले की चौखट पे। यहाँ से हम लोग आए थे अभी चढ़ते चढ़ते यहाँ से। और यहाँ पे है उस किले की दीवार और यह उसका चौखट। बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है, पत्थरों से बना हुआ है। तो चलो हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग अंदर जा रहे थे तो मैंने देखा और पापा से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि राजा महाराजाओं के ना बैठने का है ये, जहाँ पे वो लोग बैठा करते थे। और हम लोग अभी वहाँ ऊपर भी जाने वाले हैं, तो अब हम ऊपर की तरफ भी चलते हैं। और ये पीढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। तो फ्रेंड, हम लोग अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वह देखो सामने में कुछ कुआं जैसा है। चलो उसके पास चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो ऐसी कुएँ हैं और यहाँ पे ना कुएँ को बना के रखे हैं ताकि वो वहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए भी काम है और जानवरों के भी काम आ जाता है ये पीने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह को देखने के लिए। चलो। हाँ, तो फ्रेंड हमने पेड़ के नीचे देखा तो ये था। इसको आटा चक्की कहते हैं और छत्तीसगढ़ी में इसे जांता बोलते हैं। और लोग इससे ना वो चावल दाल पीसते थे, वही है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखो टूट गया है, बहुत पुराने समय का है। तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, इसे ही बोलते हैं सिंगादुर्वा। तो अब मैं इसके पास जाके आपको इसको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम उसके पास चलते हैं और बताता हूँ इस क्या क्या यहाँ पे होता है।
तो फ्रेंड ये है सिंगाधुरा पुराने समय की मंदिर, और यहाँ पे प्रतिवर्ष जोत जलाया जाता है। तो अब हम अंदर चल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये है बाना वाना त्रिशूल, बाना और त्रिशूल बहुत कुछ यहाँ पे, ये देखो बाना और पीछे त्रिशूल था। और यहाँ पे एक यज्ञ कुंड है बड़ा सा, आप देख सकते हो पूरी पत्थरों से ही बना है वो पूरा। और ये है जंगल का मंदिर, इसे ही कहते हैं सिंगाधुरवा। तो फ्रेंड्स हम वहाँ से आए थे और वो जो सामने में जो पहाड़ी दिख रही है, वो सामने में जो दिख रही है वो वहाँ से हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा, आने वाले समय में आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो अब चलते हैं उधर वापस, चलो चलते हैं हम कूद के यहाँ पे। चलो तो फिर भाई देखो यहाँ पे मस्त एक मोर का पंख पड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत मस्त दिख रहा है देखो। यहाँ पे शायद से मोर आया हुआ था। तो अब चलते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये सिंगाधुरा का व्लॉग, और कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो हम भी चलते हैं अब घर की तरफ क्योंकि बारिश भी बढ़ती जा रही है। तो मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में।